उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उन्हीं स्टारों में से एक बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या जी भी हैं। मौर्या जी से हम जानेंगे आखिरकार यूपी में क्या माहौल है और किस तरफ जनता का रुझान है। सर, यूपी में इस वक्त क्या माहौल है? यूपी में कमल की बयार है, कमल की आंधी है, उसमें साइकिल उड़ करके सैफ ही चली गई। लेकिन साइकिल तो कह रही है हमारी साइकिल ओवर हॉलिंग होकर आई है, पंचर बनवाया है, नट बोल्ट टाइट है और साइकिल बहुत दूर तक जाए। पहले चरण में जनता ने सब कुछ ढीला करके सब अलग अलग कर दिया। लेकिन हाथी भी बोल रहा है, हाथी कह रहा मेरी मस्तानी चाल और पंजा कह रहा मेरा हाथ दिखा रहा हूँ मैं। 2014 से लेकर के 2019 तक इसका प्रमाण पत्र है कि जनता ने चाहे साइकिल हो, चाहे हाथी हो, चाहे पंजा हो, उसको नकार दिया। एक बात, ये स्टेडियम को लेकर बड़ा सपा कह रही मैं बनवाऊंगा, जो एशियाड स्टेडियम है उसको लेकर बड़ा घमासान मचा। कोई घमासान की आवश्यकता नहीं, ना वो सत्ता में आएंगे ना वो कोई चीज़ अब बनवा सकते हैं। भाजपा सत्ता में है, जनता के आशीर्वाद से फिर सत्ता में आएगी और जो देश और प्रदेश और युवा और माताओं बहनों बुजुर्गों के हित में अच्छे अच्छे काम है वो सपा नहीं कर सकती। वो जमीनों पर कब्जा करने का समाजवादी पार्टी के गुंडों को लाइसेंस दे सकते। केशव प्रसाद मौर्या हैं, ये कह रहे बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और संभवतः पूरी तरीके से इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में भारी महुआ से जीत दर्ज करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज।